या आह क्यों कर रही हो? नहीं, मैंने आ नहीं, मैंने ओ कहा है, क्योंकि अगर मैं आ कहती तो मेरी बात शैतान सुन लेता, इसलिए मुझे याद है कि मैंने ओ ही कहा था। यार इससे क्या फर्क पड़ता है क्या कहा था क्या नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि शैतान हर वक्त नजरें जमा कर बैठा हुआ है हम दोनों पर। यानी इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम ये कहो या वो कहो, उसे तो सुनना ही है। देख लो हमारी हालत देख लो। ये सारी बुरी और अजीब चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं? उफ! लो फिर कहा तुमने? उफ कहा है मैंने। अरे जो भी कहा था। पहली बात तो ये है कि उफ कहा है मैंने, दूसरी ये कि तुम इतने पुरसकून कैसे हो? वो लोग हमें घर से निकाल रहे हैं और हमारे पास ना कोई पैसे है ना कोई छत है सर छुपाने के लिए, क्या करेंगे? आखिर तुम मुझ पे इतना चिल्ला क्यों रही हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही अभी तक। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि हम दोनों किसी न किसी तरह इस घर में रह सकें। तुमने अपनी सारी कोशिश इसलिए की ताकि तुम आयशा के करीब रह सको। तुम एक बेहिस, गैर जिम्मेदार और खुदगर्ज इंसान हो। अरे देखो तो जरा। ठीक है, मैं गैर जिम्मेदार हो सकता हूँ, समझता हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा खुदगर्ज भी हूँ, लेकिन बेहिस हरगिज़ बेहिस नहीं हूँ मैं यास्मीन। जलाल तुम हमेशा बिल्कुल ऐसा ही करते हो, हर वक्त अपने ही चलाते हो, देखो कितने शर्मिंदा है ये। शर्मिंदा? तुम्हें ये शर्मिंदा लग रही है? इनकी आंखों में देखो ये कहां से शर्मिंदा लग रही है। हाँ मुझे तो पछतावा ही दिख रहा है इन लोगों के चेहरों पर। अच्छा वाकई? लगता है तुम्हारी नजर खराब हो गई, गौर से देखो इनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं। बाबा गुस्सा थूक भी दे। अब बेटी क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानती? जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त चीज क्या है? झूठ। तो फिर मेरे बच्चे मुझसे इतना झूठ क्यों बोलते हैं? हाँ जवाब दो इसका। इन पागलों ने तो मेरे पोते पोतियों की तबीयत बर्बाद करके रख दी। बिल्कुल अम्मी, अभी नहीं। ऐसे ही अम्मी आप ठीक कह रही हैं। और ये इस बर्बादी के लिए तैयार बैठे थे अम्मी, जैसे ये सालों से इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और आकर इन्हें बर्बाद कर दे। यकीन नहीं आता, बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? हाँ अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? और अब तो तुम कर ही चुके हो, खुदा के लिए खुद को मेरी जगह पर रखो और बताओ कि तुम क्या करते। हाँ बस कर देना बाबा, इन्हें माफ कर देना। जी बाबा, सुहेला ठीक कह रही है, उन्होंने गलती जरूर की है, आप भी कूल बाबा बनकर उन्हें माफ कर दो प्लीज बाबा। मान भी जाओ। क्या कर रही हो परिहान? नहीं बस, तुम इस तरह की लड़की नहीं हो। ये क्या हो गया है मुझे? अम्मी जान, पापा, मैंने फिर बड़ी मुसीबत सर ले ली है। अच्छा बस करो, अब रो तो नहीं, बस रोना बंद करो। तुमने भरोसा किया और उसने तुम्हें यूं छोड़ दिया। आतिश। क्या मेरा सूटकेस बंद करने में मदद करोगे? क्या तुम भूल गई हो मैं गैर जिम्मेदार, खुदगर्ज और बेहिस हूँ? क्या तुम मेरी इन सब क्वालिटीज के बावजूद भी मुझसे मदद चाहती हो? क्या कनेक्शन है बताओ तो मुझे जरा। और भी बताऊं? तुम मतलब परस्ती हो, आखिर में भी बदले की उम्मीद रखते हो। यास्मीन! 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 दमीर पागल हो गया। हाँ देख रहा हूँ। क्या बात है? हाँ जा जा इंतजार कर। यास्मीन! यास्मीन! हाँ आ रहे हैं, क्या बात है चिल्ला क्यों रहे हो? किनान साहब खुश आमदीद, खैरियत तो है ना? मिस यास्मीन आपको इतनी शानदार मानती बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब ये बताइए कि आपको किस नाम से पुकार, मानती मैजिशियन या कुकिंग क्वीन? अरे क्या मतलब है? क्वीन ऑफ कुकिंग। परसों से खाना टेस्ट करता हूँ और उसे एनालाइज भी करता हूँ। ऐसा कोई किचन नहीं बचा जहाँ मैंने जाकर खाना ना चखा हो। बहुत कम खाने मेरे जहन में रहते हैं,
उनमें से आपकी एक शानदार मानती भी है। जनाब, एक अच्छी मानती बनाने के लिए ऑर्गेनिक चिकन चाहिए। अंडे चाहिए होते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है। तुम रहने दो, प्लीज कहिए। लड़की, तुमने मुझे पेटू बना दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया। आप लोग खुशकिस्मत है कि ये यहाँ मौजूद है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये मानती की मशीन है। मजाक है, मशीन से मिला रहे हैं। यानी आपका मतलब है कि आप यहाँ मानती खाने आए? कह सकते हैं, मतलब ऐसा ही समझ लें। मैं यहाँ यास्मीन की शानदार पालक मानती के लिए आया हूँ। क्या आपकी दुकान यही है यास्मीन? जी, पहले थी किनान साहब। पहले थी से क्या मतलब है? किनान साहब, दरअसल बात यह है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हम आपकी खिदमत में मानती जरूर पेश करेंगे। अच्छा, रुको जरा। तो तुम लोगों ने वो झूठ और सारी कहानियां दरअसल किनान साहब को हमारी मानती खिलाने के लिए की? जी बाबा, बिल्कुल, और किस लिए? यानी जलाल अंकल, हमने ये सब उनको मानती चखाने के लिए किया, ताकि वो यहाँ आए और हम उनको अपनी और डिशेस चखाए, ताकि वो कुछ अच्छा लिखे हमारी दुकान के बारे में। ये फायदेमंद होगा। मेरे गुसीले जलाल साहब, अब क्या हुआ है? बिना सोचे बिना समझे खामखा पारहाई कर लेते हो। हाँ, लेकिन बेटा अब... जलाल अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम झूठ बोले बगैर भी ये काम कर सकते थे। तो फिर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम बहुत शर्मिंदा हैं पहले। मतलब आपको कुछ भी कहने का हक है, आप कह सकते हैं। खैर, अब हम चलते हैं यहाँ से, हमारी वजह से परेशान ना हो। जी, दरअसल हम पैकिंग छोड़ के आए हैं ऊपर। यास्मीन, आतिश। कहीं नहीं जा रहे तुम दोनों। यानी यहाँ से नहीं जा रहे? लेकिन सुन लो, आज के बाद क्या तुम दोनों फिर से झूठ बोलोगे? नहीं। तो सब कुछ भूल जाओ। अरे, क्या तुम इन्हें इतनी आसानी से माफ कर दोगे? कर दिया। तो क्या मैं अपनी मानती खा सकता हूँ? एक सेकंड भाई। अरे, आप तो मानती के लिए आए ना यहाँ। यास्मीन, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। यास्मीन, तुम्हारा एप्रन, तुम्हारा एप्रन। नहीं, यहाँ देखना नहीं चाहते, इन्हें चले जाना चाहिए। तुम इन्हें निकाल तो चुके थे, फिर पीछे क्यों अटका? इन्हें यहाँ से फौरन निकालो। अम्मी जान, आखिर तो उन्हें यहाँ से जाना ही है, तो फिर ऐसी भी जल्दी क्या पड़ी है? चले जाएंगे अम्मा, चले जाएंगे। आखिर कब जाएंगे? हमारे बच्चों की तो तरबियत और अखलाक को बिगाड़ के रख दिया इन्होंने। लड़की मिल जाएगी तुम्हें यास्मीन जैसी, और लड़का भी मिल जाएगा तुम्हें आतिश जैसा। देख लेना, तुम्हें जूते घिसने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी जलाल साहब। आप कह तो ठीक रही हैं, उनको जगह मिलेगी तो वो चले जाएंगे, और हम लोगों को भी कोई दूसरा किराएदार मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में से किसी की भी शादी होगी तो उसे ऊपर ही शिफ्ट करना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो शादी शुदा लोग ही ऊपर रह सकते हैं कमरे में। हाँ, ये बात है। हाँ, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ये टॉफी खाएंगे? शुएब, तुम क्या कर रहे हो? टॉफी खिला रहा हूँ। शुएब, जाओ घर जाकर देखो सोहेला आई या नहीं। जाओ। जा रहा हूँ। जाओ। अच्छा, तो मुझे मजेदार मानती की एक प्लेट चाहिए, और साथ में इसकी रेसिपी भी। सर, ये तो नहीं दे सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी दुकान के बारे में लिखूं, और आप चाहती हैं कि आपकी दुकान की सेल बढ़ जाए, तो आपको रेसिपी जरूर देनी होगी, ताकि वर्ल्ड ब्रांड बनाने में आपकी मदद कर सकूं। ये हमें वर्ल्ड ब्रांड बना देगी यास्मीन।
अरे दे दो यास्मीन, दे दो, क्या फर्क पड़ता है यार? यास्मीन इस तरह से एक्ट तो मत करो कि जैसे मंती तुम्हारी ही इजाद है। आटा ही तो गूंद रही हो सिर्फ। मानती सिर्फ आटा नहीं होती आयशा, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम अपने डिजाइन सबको दे दो। कैसा होता है? क्या वाकई यही बात है? अब तुम्हें मैं ये कैसे समझाऊं आयशा? बच्चो जिद मत करो, यास्मीन को अपनी रेसिपी देने की जरूरत नहीं। मत देना यास्मीन, जलाल सही कह रहा है, जैसे कोई रिश्वत मांग रहा है। क्या मतलब है? रेसिपी नहीं तो लिखेगा नहीं। मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं, मत देना। नहीं नहीं, कोई रेसिपी नहीं। तो फिर मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। अलविदा दोस्तों। यास्मीन, यास्मीन रुको, जा रहे जा रहे जा रहे, रुको ना, रुको ना। क्या नाम था? अच्छा तो ऐसा है जलाल साहब, जब तक आयशा और दमीर की शादी नहीं हो जाती वो यहीं रहेंगे हमारे सर पर। तुम इन मुसीबतों को कहीं नहीं भेज सकते। तुम तो चाहते हो कि इन्हें लाकर हमारे सरों पर मुसल्लत कर दो, मगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारे बच्चों के लिए कितने खतरनाक है ये। हाँ, क्योंकि पहले शादी करने वाले को वो ऊपर का कमरा मिलेगा, तो बस फिर मैं आयशा और दमीर दोनों की शादी करवा देती हूँ, तभी इन दोनों धोखेबाजों से छुटकारा मिलेगा। देखना तुम्हारा तो मैं कैसा इंतजाम करती हूँ। हेलो, अरे मेरी प्यारी सहेली कैसी हो? हेलो, केनान बोल रहा हूँ। हैव अ नाइस डे मिस्टर केनान, कैसे हैं आप? मैं आसिफ आफजी, चेयरमैन ऑफ आफजी होल्डिंग कंपनीज का मालिक। जी कहिए आसिफ साहब, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी। दरअसल बात यह है कि मैंने अपने एक दोस्त से सुना आपकी शानदार डिनर और उसकी मेजबानी के दौरान और उसके बाद कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जो नहीं आने चाहिए थे, और मैं आपकी परेशानी का अंदाजा बखूबी कर सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आफजी होल्डिंग उस कुकिंग कंपटीशन को स्पॉन्सर करे जिस स्पॉन्सर की आपको एक अरसे से तलाश है। ऐसा करने से हम उस सूरत हाल से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं जो मुझे भी परेशान कर रही है, और इस तरह से आपको हमारी कंपनी की सपोर्ट भी पूरी तरह से मिल जाएगी। क्या ख्याल है आपका मिस्टर केनान? जाहिल पागल बावला, इससे बचाए कोई। यू आर मेकिंग मी सिक, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। बताओ तकलीफ हो रही है? वाह, ये तो हर एंगल से अच्छा लग रहा है। उफ, लड़की तुमने तो बहुत कमाल कर दिया, क्या हसीन टेबल सजाई है तुमने। यकीन करो मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ, क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन है तुम्हारी। छुओ मत, खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना यास्मीन, गुस्सा क्यों कर रही है? है किसके लिए बताओ? जाओ, मुझे तंग मत करो, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर, जाओ। चलो ठीक है, मैं तंग नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज मैं यहाँ बैठ तो सकता हूँ? प्लीज वादा, कुछ नहीं करूंगा। ओके बैठो जरा। या नहीं, क्या खूबसूरत नजारा होगा अगर तुम और दमीर एक साथ हो यहाँ। यानी 5-dimensional लव स्टोरी जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता हकीकत से। वो जो बुक्स होती है ना, फर्स्ट पेज हो तुम दोनों उनका। नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि पता है तुम दोनों से ना जबरदस्त सी हॉरर सीरीज निकल सकती है। सही कह रहा हूँ मैं? वैसे बकाया क्या तुमने, शदीद भूख लग रही है मुझे। अभी बताती हूँ। हाँ, मैंने उस्मान कुजीन से मंगाया है। सच कह रही हो? एक उम्दा पका हुआ, मेरा फेवरेट, एक प्लेट चाटों की, और एपेटाइजर में तो क्या जबरदस्त किस्म के 3-dimensional अल्फाज तैयार किए हैं। आतिश चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अच्छा ना बस ठीक है, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहा होता हूँ।
वैसे क्या है? जो भी है भूल जाओ ना, ये बताओ कि टेबल किसके लिए सजाया तुमने? मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें पता है जब मैं, यानी हम जब वर्ल्ड ब्रांड बन जाएंगे, तो मैं भी अपनी सिग्नेचर प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा बेहतर लगेगा। जानती हूँ, पर तुम बहुत लकी हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या, ये मुनासिब नहीं है बिल्कुल, बल्कि इनकी जगह हम ये रखेंगे, ओके? और आसपास लगे मटेरियल को भी इस्तेमाल करना सीखो ना यार। देखो ऐसे करते हैं, ये कुछ हम टेबल पर सजा देंगे। हाँ देखा देखा तुमने, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाती हैं। इनको हम यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। ये रहा, एक मिनट सर। ओह स्लाइट टच ऑफ फायर, क्या खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, यहाँ आए जल्दी आए। ये देखिए, इस किनान नामी शख्स के बारे में मैं बहुत कुछ जान गई हूँ। वो अपनी किताब वर्ल्ड कुजीन के लिए तरकीबें जमा कर रहा है। तो क्या उसने यास्मीन की रेसिपी इसीलिए, मतलब ये कि वो अगर इतना पुरजोश है तो अपनी किताब में जिक्र जरूर करेगा। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि वो उन तरकीबों के नीचे शेफ्स के नाम भी जरूर मेंशन करेगा, यानी कि यास्मीन की रेसिपी उसके नाम से जाएगी। अच्छी बात है, वो वाकई बहुत अपसेट थी, ये उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। चलो उसे बता। यास्मीन, अच्छा ना बस करो यार, बहुत हो गया, खाना भी देखो ठंडा हो रहा है, बस करो ना, बहुत मन हो गया। अच्छा तो ये कोई जादुई केक है जो दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। यास्मीन, इसको सामने लाने के लिए कोई मंत्र शंत्र तो पढ़ो यार, वो मसलन आजिम आ किचिम। वेरी फनी, सुहेला अगर किचन से निकले तो मैं बना पाऊँ ना हमारे खाने के लिए कुछ। ऐसा लगता है वो औरत सब्जी की पेट से उतरी है, माँ के पेट से नहीं। पार्टनर, ऐसा कि हमारे घर वालों से अभी तक बनी नहीं है, तो इसलिए कोशिश करना कि तुम सुहेला से कुछ झगड़ा वगड़ा मत कर लेना, ओके? लेकिन एक बात कहूँ तुम्हें, तुम वाकई किचन में बहुत अच्छी हो, सीरियसली, दिल से कह रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कितना अच्छा होगा कि जो कामयाबी, जो सलीका और जो तहजीब, जो दौरान पकवान तुम किचन में दिखाती हो सबको, वो तुम अपने बेडरूम में भी दिखाओ। जैसे कि मैं जल्दी सब कुछ संभालने वाला हूँ, अगर तुम साथ लो तो सब ठीक हो जाए। यार कितने झूठे हो तुम। मान लिया कि तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, लेकिन लवर्स तो हो, वरना दुनिया में कौन से दोस्त एक साथ इतने अच्छे तरीके से खाना खाते हैं साथ बैठकर। तो क्या सोचा है? अगर कहो तो अंदर चलते हैं, आ जाओ। आते शेजे, तुम ये जान लो कि मुझे तुमसे कुछ भी सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मोहब्बत कैसे दिखाते हैं। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। शायद हम बहुत गलत वक्त पे आए हैं। बहुत बहुत। क्या हुआ दमी? आयशा, इनको क्या हुआ? मैं तो अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी, ये क्या हरकत है? शर्म आ रही है यार। कैसी शर्म? यास्मीन बहुत शर्मनाक था। कैसी शर्म यार, क्या कुछ हुआ है? सब तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी बिना इजाजत के शादीशुदा लोगों में यूं कूदने की? मैं कहां से कूदी? आप ही ने तो कहा था कि अगर दोनों अपने कमरे में नहीं तो ऊपर टेरेस पर बैठे होंगे। चलो ऊपर चलते हैं। अब किस बात का गुस्सा है मुझ पर? हाँ मैं गुस्से में हूँ, अभी तक तुमने अपनी गाल नहीं देखी। जो भी है भाई, अगर उन्होंने हमारी दुकान बचा ली, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो दोनों हमारे दोस्त बन गए। आज से हम दोनों को ऊपर जाना बंद। सही, अब तुम आराम से सो। इंशाल्लाह जरूर। आयशा, 2 सेकंड के लिए बात सुनोगी मेरी? 1, 2 हो गए, 2 सेकंड, दफा हो जाओ यहाँ से। आयशा सुनो तो यार। अगर सुन मिली तो तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो या तुमने सुना है, तुमने बहुत गलत समझा है आयशा। आतिश, क्या बदतमीजी है, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है? बताओ यार, बहुत मजबूर करती हो मुझे, और मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। सुन रही हो? 2 मिनट बाद सुन लोगी तो क्या हो जाएगा? 2 सेकंड, इतनी जल्दी 2 मिनट कैसे बन गए? उंगली क्या पकड़ाई तुमने? तो पूरा हाथ पकड़ लिया। आतिश दफा हो जाओ यहाँ से।
तमीर। अगर कभी तुमने उंगली पकड़ाई होती और मैं उसके बाद तुम्हारा हाथ पकड़ने का चांस कभी मिस कर देता तो मान लो कि ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ हमारे साथ। एक मिनट, अगर मैं सुन भी लूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं मानूंगी नहीं कुछ भी, ये बता दूं मैं तुम्हें। ये हुई ना बात यार, क्योंकि ऐसा है कि आदेश की कही हुई हर बात को मानने की आदत हो गई है तुम्हें। असल में बात सुनो मेरी, जो कुछ तुम ऊपर टेरेस पर देख के आ रही हो ना, वो सरासर गलत फहमी है तुम्हारी, और यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई आतिश, तुम अगर अपनी झूठी फिल्म फुल HD में भी चला दोगे तब भी झूठी फिल्म ही रहेगी, समझा आतिश? यास्मीन और मैं तैयारी कर रहे थे प्रेजेंटेशन की, ओके, और कुछ भी नहीं। हाँ, तुमने अपनी सलाहियतों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। देखो आतिश, तुम्हारा उस यास्मीन से जो भी वास्ता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? तो तुम्हें कोई सरोकार नहीं है वाकई में। बात मत काटो। और दूसरी बात ये कि अब मुझे तुम कोई भी झूठी मूठी कहानियां सुनाते रहो, मैं यकीन नहीं करने वाली। आशा, बात सुनो। आतिश, मैंने फिल्मों में भी तुम्हारे जैसा चालबाज शख्स नहीं देखा। मतलब आतिश, तुम एक शादीशुदा शख्स हो, उसके बावजूद भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि तुम गैर जिम्मेदार हो। यास्मीन और तुम्हारे बीच जो कुछ भी है, लेकिन तुम दोनों साथ तो हो ना, इसके अलावा और कुछ कहूँ मैं? ऊपर कुछ ही लम्हों में मैंने बहुत कुछ सोचा। मतलब ये किस तरह के आदमी हो यार, तुम झूठे हो, झूठे। अच्छा ठीक है ना, मैं झूठा हूँ, मान लिया मैंने। और तुम क्या हुआ, बताओ ना, स्टॉक क्या? क्या मतलब इसका? जो कुछ तुमने कहा वो जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी आंखों में। हर लफ्ज जो तुम कह रही हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस जो है, तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, फिर भी। लेकिन मैं फिर भी क्या? यानी कि ये नहीं बताओगी कि जेलस हो? आतिश, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा झूठ बोलने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन बहुत हो गया, अब और नहीं। और क्या नहीं है? आतिश, दफा हो जाओ। सुनो सुनो, ठीक है ना, चुप रहो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे दिल की हर बात अच्छी तरह समझ लेता हूँ, इसलिए कोशिश नहीं करो तुम बोलने की, ऐसे ही देखती रहो जैसे तुम अभी देख रही हो मुझे, ओके? सुन रही हो? बाहर में जाओ। किस तरह से देखती हूँ ये इसे कैसे पता होगा? ठीक है, बेशक वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए एहसास नहीं रखते। जाहिर है, ना जाने कब से दोनों साथ हैं। तुम्हें क्या हुआ है तमीर, तुम्हें क्या हुआ है? खुद को संभालो लड़के। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही थी? गलत फहमी हुई है, यानी तुम्हें, यानी तुम दोनों को। तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं गलत समझा या फिर हम गलत समझे? वो ऊपर टेरेस पे आतिश और मैं। हाँ, आतिश और तुम। आतिश की बीवी नहीं हो तुम। अब तुम दोबारा मुझे क्या बताना चाह रही हो, क्यों उलझ रही हो? आतिश और मैं शादीशुदा हैं, और हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तुम्हें और खुशियां दे, ऑनेस्टली अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इस रिश्ते का कौन सा हिस्सा मैं गलत समझा, ये समझ नहीं पाया। समझोगे भी नहीं, क्योंकि तुम में समझने की सलाहियत ही नहीं, बिल्कुल नहीं। पैदाइशी फॉल्ट है, कुछ समझना ही नहीं चाहता। लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान समझ के यहाँ पे समझाने के लिए। किसी को किसी और चीज की तरह मत देखो, कहानी वही रहेगी। पहले इंसान को इंसान की तरह देखो, फिर उसका सांचा बदलने की कोशिश करो। किसी को गलत समझना आसान होता है, ओके?
कैसा साँचा? हाँ, क्या मतलब? अगर मैं तुम्हें केक के साँचे में डाल के पकाऊं, तब भी तुम में से कुछ नहीं निकलेगा। गवार हो तुम, कुछ अकल नहीं। अब बैठे रहो तुम यहाँ पर मुंह सड़ा के। आराम से, आराम से। गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचता है। काश कि मैं अपने गुस्से में डूब ही जाऊं। वो आखिर आया क्यों था? क्या बात करनी थी? ये मुझे क्यों ढूंढ रही थी? इसे क्या कहना था? बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह। कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। हाँ मेरी जान अलमास, ठीक है, तुमने टिकट खरीद लिया? ये क्या हो रहा है? फिर तुम कल दोपहर तक यहाँ पहुंच जाओगी ना? आह, मिशन पूरा हो गया समझो। पहले हम अपने पोते पोतियों की शादी करवाएंगे, फिर हमारी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। पोते पोतियों की शादी? हाँ, कौन सोच सकता था कि कभी हम एक दूसरे का समधियाना बन जाएंगे। मेरी आयशा और दमीर तो दोनों हीरे हैं, शानदार। हाँ ठीक है समझ गए। चलो फिर मिलते हैं, सलामत रहो। ओह मेरे प्यारे बच्चों, चलो तुम दोनों में से किसी एक की शादी हो तो तुम ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, वरना तो वो दोनों बदमाश यहाँ से कभी दफा नहीं होंगे। आयशा और दमीर की शादी? ससुराल? इस घर से जाना होगा? ये क्या हो रहा है यहाँ? बेघर होने वाले हैं, उठो। यास्मीन क्या हो गया? सुकून का सांस लिया करो यार। घर को क्या मैराथन बना कर रखा हुआ तुमने? क्या हो गया है? क्या हो गया है? ये लोग दमीर की शादी करके इसको इस पोर्शन में शिफ्ट करवाना चाहते हैं। ओ बेचारी यास्मीन, आजो, आजो बैठो, यहाँ बैठो। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मैं। बात सुनो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अक्लमंद लड़की उसके साथ कभी रहने वाली है ही नहीं, समझे? और वैसे भी जितना वो बददिमाग इंसान है, वो कभी भी एक अच्छा शौहर तो हो ही नहीं सकता। और मुझे तो लगता है कि शायद जानता है वो खुद भी कि कभी उसके साथ कोई रहने वाला नहीं है, इसलिए फिक्र मत करो उसकी, छोड़ दो। बिल्कुल ठीक कहा पार्टनर। आज तक गलत कहा है। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल गई, रिश्ता आयशा का भी आ रहा है। आयशा? आयशा के लिए भी आ रहा? क्या मतलब, कौन सा रिश्ता? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया यार। सादत अम्मा की फोन पर बात सुनकर आई। क्या कर रही थी? अब ये तुम्हारा मसला हो गया। मैंने तुमसे कहा कि हम ये घर खोने वाले हैं, जो हम सुबह में भी खो चुके थे, शाम में वापस मिला। ये सारी बातें सुनके तुम्हें किस बात की टेंशन है? सिर्फ उस आयशा की। अरे दिमाग खराब नहीं करो, मुझे घर की भी फिक्र होती है। ओके, आयशा की शादी यूँ हो जाएगी, दमीर से कहीं ज्यादा आसानी से आयशा की शादी हो जाएगी, इसलिए पता नहीं मुझे। बस मेरी, हमें उसकी दादी का प्लान ना खत्म करना होगा, बल्कि उसे टुकड़े टुकड़े करने होंगे हमें। इतना आसान लग रहा है तो फिर तुम सोचो, सोचो हमें क्या करना चाहिए। या अल्लाह, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अरे उसकी दादी रिश्ते वालियों से बात करिए, क्या हो गया है यार? कहाँ से आती है ये रिश्ते वालियाँ? संभालो खुद को यास्मीन, तुम्हारा मसला ये घर है सिर्फ।
रिश्ते वाली है ना, ये कभी नहीं हो पाएगा। ये ले दादी जान। शुक्रिया मेरी बच्ची। सुहेला जी क्या हुआ? देखो सुनो, ये पैसे रखो तुम अपने पास और आज रात शानदार खाने का इंतजाम करना है तुम्हें। हाँ कोई तकरीब है? अच्छा चलो, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं यास्मीन से कही देती हूँ फिर। अरे उससे क्यों कहेंगी आप, मैं कर लूंगी। यास्मीन ऐसी दावत कहाँ कर सकती है, उसके बस की बात ही कहाँ है दादी। मैं करूँगी लेकिन ये तो बता दें कि किसके लिए। मेरे मेहमान आ रहे हैं। ये तो ठीक है दादी, लेकिन इतनी सीक्रेसी किस बात की है, हम इसे खुफिया ऑपरेशन की तरह क्यों कर रहे हैं? देखो कैसरी से अलमास आ रही है मुझसे मिलने। जानती तो हो तुम्हारे पापा उसके बेटे मुस्तफा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बेचारी ने मुझे फोन किया और कहा कि तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। उसने इतने प्यार से कहा तो मुझसे इनकार नहीं हुआ। जलाल के इल्म में लाए बगैर सारा इंतजाम कर लेना तुम। अगर तुम्हारे बाप को बताए तो वो मना कर देगा उन्हें। ठीक है दादी। और हम कह देंगे कि वो अचानक आ गए थे हमसे मिलने। यानी जाहिर सी बात है जो मेहमान आ चुके हैं उन्हें तो निकाल नहीं सकते। हाँ, मेरी बात सुनो, जब तक वो यहाँ पहुँचना चाहे ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ठीक है। ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान है। फिर मैं छुपा लो उसे, सादा छुपा ले आती हूँ। देखना ले। हाँ बाजार चले जाओ। दादी समझ गए। मेरा लापा 2 किलो प्याज भी डाल दीजिएगा सामान में। 2 किलो प्याज? हाँ घर में ख़त्म हो गई है ना। ये क्या है आपा? क्या ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, थाईलैंड से इम्पोर्ट किया है। आखिरी चीज़ जो बाहर से आई थी वो मेरा ख्याल है वो स्विट्जरलैंड से थी, सुक्रो ट्रेलर के रिश्तेदार। मैंने इसे वैरायटी के लिए इम्पोर्ट किया है लेकिन अभी तक किसी ने नहीं ख़रीदा। लोग मुश्किल से लाल सेब खरीदते, थाई मूली कौन खरीदेगा? मैं खरीदूंगी। क्या कीमत है इसकी आपा बताइए? ये है 185 रुपए किलो और ये वाला 150 रुपए। क्या हम क्या कर रहे हैं, इस थाईलैंड मूली के लिए परमिट लेना पड़ेगा। रुक जाओ मैं खरीदूंगी, इसके भी दे दें आप और उस वाले से भी। तुम्हें पता नहीं है कि दादी के कितने अहम मेहमान आए हैं। करेंगे ना मिर्च। ठीक है हाँ, देखो अपनी जुबान बंद रखनी होगी तुम्हें इस मामले में, बाबा के लिए सरप्राइज है। जुबान तो मेरी वैसे ही बंद है, इन्हें बैग में डालने की क्या जरूरत है, इनके लिए गाड़ी ना बुला लूं। इसे इसमें डाल दो। हाँ ये सही है। कितने पैसे दे रहे हैं आपको आपा? गोभी आलू टमाटर 320 रुपए। ओह इतना कुछ तो हमने खरीदा भी नहीं। ये रहे आपके पैसे 200 और ये 100। ठीक हो गए आपके, शुक्रिया। मिट्टू जरा ये सामान तो उठाओ ताकि मोहल्ले वालों को भी पता चले कि कितनी ताकत है तुम में। हाँ ठीक कहा। क्या बात है मेरे जानू की। हाँ चलो ना जानू, वेट लिफ्टर भी इससे आधा सामान उठाकर गोल्ड मेडल लेकर अपने मुल्क वापस लौटते हैं। तुम किसी पहलवान से कम हो गया। हाँ, लेकिन अगर मैं इस तरह की चीजें एक दो बार उठाऊं तो क्या मैं आतिश की तरह दिखूंगा? हाँ क्या कह रहे हो शोभी, तुम मेरे लिए किसी आतिश से हरगिज कम नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ बातों की वजह से दादो से नाराज। अच्छा वो क्यों? अगर मैं उनसे अपने चिकन फार्म के लिए रकम मांगता हूँ तो एक झेला नहीं मिलता, लेकिन देखो थाई मूली के लिए कितने पैसे दे दिए। हमारी मुर्गियों ने भी अभी तक मुर्गे से दोस्ती नहीं की, मालूम नहीं क्या मसला है। हमने मुर्गा खरीदा है पर वो मुर्गी पटा ही नहीं सकता। मेरी जान तो फिक्र ना करो, इसका हल है मेरे पास। बस एक दवा है जो मैं तुम्हें पानी में घोल कर दूंगी, तुम उन्हें खिला देना, काम तमाम हो जाएगा, मुझ पर एतमाद करो बस। वाकई? हाँ मिट्टू। देखो देखो आया, दोबारा दबाओ इसे। अरे दबाया तो है, फोन की स्क्रीन टूट जाएगी। तुम्हारा अपना फोन नहीं है क्या? बैटरी नहीं है उसमें। क्या पता उसने अपना ज़हन बदल लिया हो? मुझे क्या मालूम कमीना है वो, मुझे क्या पता क्या है वो। हाँ वहाँ है वो, चलो चले। अच्छा वापस जाओ वापस जरा। अरे कैसे हो दोस्तों, फोन में क्यों घुसे हुए हो? उस आर्टिकल का वेट कर रहे हैं। कनान का आर्टिकल? अरे आर्टिकल वर्टिकल छोड़ो तुम यार, तुम
दोनों के लिए रिश्ते वाली रास्ते में। रिश्ता? कैसी रिश्ते वाली? रिश्ते वाली जो शादियां करवाती हैं। किसने कहा ये तुम लोगों से? दादी माँ ने कहा होगा जरूर। अच्छा तो तुम्हें मालूम था? हाँ, हमेशा से दादू का मशगला है ये, हर वक्त हमारी शादी करवाने की कोशिश करती रहती है। यानी क्या मतलब है, वो अक्सर तुम दोनों के रिश्ते करवाती रहती हैं ऐसे? हाँ, हमारी दादू जरा सी आर्टिकल पब्लिश हो गया। बाबा, 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 आर्टिकल सब क्या कहा है बाबा? बाबा, कहा है बाबा? ओ भाई आराम से, आराम से। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? रुक जाओ सर। मिट्टू अब क्या हो गया जो ये लोग बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं? मुझे क्या मालूम। अरे जल्दी आओ मिट्टू, देखे कहीं बाबा ने उन्हें फिर से तो नहीं निकाल दिया। इंशाल्लाह। क्या हुआ है यहाँ? क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों कर रहे हो? बाबा हुआ क्या है? वो आदमी कनान, उसने आर्टिकल पब्लिश किया है जो उसने हमारी दुकान के लिए लिखा था। हाँ, क्या हुआ? पढ़ो तो। मुझे भी नहीं पता, जैसे देखा यहाँ। अरे पढ़ो ना, पढ़ो। अरे पढ़ो, वाकई? हाँ, जरा जोर से पढ़ो। क्या रखा है मालूम नहीं आ रहा। एक सेकंड। बाबा क्या हुआ? बेशरम, नाकारा इंसान, ये याद रखना कि ऐसे ही नाम नहीं देते लोग तुम्हें। रस्सी तुम्हारे गले में डालकर मैं तुम्हें। अरे बाबा क्या लिखा है इसमें? मुझे भी क्या लिखा है इसमें? पढ़ो, सुनो, खोल रहा हूँ। अच्छा खोलो इसे। जी। कुछ जायके आपको एपिक लिखने पर मजबूर करते हैं और कुछ जायके ऐसे होते हैं जैसे चूहे का जहर जो आपकी जान ले लेते हैं। चले मैं मुख्तसर जिक्र करता हूँ। मैं यहाँ हसमंती का हवाला देता हूँ। अगर आप टर्किश डिक्शनरी में से हॉरिबल का लफ्ज हटाकर हसमंती लिख दें तो ये गलत ना होगा। क्या लिखा है? अकेला ही ये लफ्ज उस कमी को पूरा करेगा। मत जाना और उन्हें भी रोकें जो जाना चाहे। मुझे बस इतना ही कहना है। मैं देखता हूँ इस, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जाने तो हमें, तुमने देखा नहीं क्या लिखा है उसने? मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ जाने से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि साथ जाएंगे उसकी गर्दन तोड़ देंगे। बस, कहीं नहीं जा रहा कोई। अब तक जिस किसी ने पढ़ना था पढ़ चुका है। तुम खुद उस कमीने को हमारी दुकान पर लाए और हमारी रेसिपी भी चुरा ली कि वो अच्छा आर्टिकल लिखेगा। 40 साल पुरानी दुकान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में रुसवा हो गई। अब उसके पीछे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? अब बस शक्लें सही करो अपनी, दफा करो इसे। चलो बाबा को अकेला नहीं छोड़ो। चलो मैं मारूंगा। तुम लोग पागल हो क्या? जब तक वो घर वापस नहीं आएगा और वो छोटे छोटे लोग अपने छोटे छोटे मसलों में ऐसे ही उलझे रहेंगे जब तक वो मेरी बात ना मान ले। तुम क्यों खामोश बैठे हो मेरे भाई? वो बंदा तुम्हारी बीवी की रेसिपी चोरी करके ले गया। काश तुम ही मेरे बेटे होते। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी फैमिली को दुख पहुंचा है। चले जाओ यहाँ से आतिश, जितना जल्दी हो सके। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।